दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि दोस्तों YouTube की तरफ से आज सुबह सुबह 3 न्यू अपडेट आ गया है। और यहां पर दोस्तों जो आपको लास्ट वाला अपडेट बताने वाला हूं, जो सेकंड वाला अपडेट, काफी बेहतरीन है दोस्तों। YouTube ने इस बार जो काम किया है काबिले तारीफ है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि अपडेट क्या है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का यहाँ पे विनर देख सकते हैं। तो इस भाई का चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर दिया हूँ, एंड अपने कम्युनिटी पोस्ट में, एंड अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जाके पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसके चैनल को सपोर्ट करो। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर चाहते हैं, अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर आते हैं तो आपका चैनल का लिंक मैं एक साथ तीनों जगह प्रमोशन कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर यूट्यूब की तरफ से अपडेट आया क्या है। तो सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, जो कि YouTube पर जो आपको वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है, जैसे कि बहुत सारे डांसिंग का चैनल है जो डांस करते हैं वो म्यूजिक यूज करते हैं अपने वीडियोस पर किसी और का, या फिर बहुत सारे शॉर्ट्स के चैनल पर म्यूजिक यूज किया जाता है और उसमें कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अब YouTube पर आपको और एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर म्यूजिक के नाम से, जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारे म्यूजिक देखने को मिलेगा और उस म्यूजिक को आप दो तरीके से अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो, जिसके बाद आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है? पहला तरीका है आप म्यूजिक को बाय कर सकते हो। कुछ म्यूजिक को दोस्तों आप पैसे से बाय कर सकते हो और अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो, और कुछ म्यूजिक आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर रेवेन्यू शेयर करके उस म्यूजिक को यूज कर सकते हो और आप उससे अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों दो तरीके से उन म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। पहला तो आप उसको बाय कर सकते हैं, बहुत सारे आपको म्यूजिक मिलेगा जो उसको बाय कर सकते हो पैसे से और अपने उस चैनल पर आप यूज कर सकते हो, आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन रेवेन्यू शेयर, जो कि आप कुछ परसेंटेज आपको रेवेन्यू मिलेगा, कुछ परसेंटेज रेवेन्यू उस कॉपीराइट ओनर को मिलेगा और इस प्रकार से आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा, आप यहां से अच्छी खासे अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड अपडेट। सेकंड अपडेट क्या है दोस्तों? YouTube Shorts फाइनली मोनेटाइज होने वाला है 2023 के स्टार्टिंग में। 2023 के स्टार्टिंग में YouTube Shorts मोनेटाइज होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो क्राइटेरिया था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्राइटेरिया क्या रखा है? क्राइटेरिया यही रखा है दोस्तों, पहले से कि आपको पता होगा कि लॉन्ग वीडियो हमारे जो क्राइटेरिया था 1000 सब्सक्राइबर, 4000 हाउस का वॉच टाइम, वो कंप्लीट करना पड़ता था लास्ट 365 डे में, यानी कि एक साल के भीतर। अब दोस्तों शॉर्ट्स वीडियोस पर आपको क्या होगा? शॉर्ट्स वीडियोस पर आपको 90 डे के भीतर, यानी कि 90 दिन के भीतर आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे और यहां पर 10 मिलियन व्यूज चाहिए आपके वीडियोस पर। ठीक है, आपके वीडियोस पर 10 मिलियन व्यूज, दो क्राइटेरिया यहां पर है, पहला 1000 सब्सक्राइबर और दूसरा 10 मिलियन व्यूज चाहिए आपके चैनल पर, और 90 दिन के भीतर तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस से अर्निंग कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से एड देखने को मिलेगा आपके शॉर्ट्स वीडियोस पर। तो शॉर्ट्स वीडियोस पर जो आपको एड देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों शॉर्ट्स फीड में स्क्रॉल करते हैं तो पहला शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो बीच में आपको एड देखने को मिलेगा, बाकी फिर से वीडियो स्क्रॉल करेंगे, यानी कि दोस्तों आपको दो वीडियो के बीच में आपको एड देखने को मिलेगा। अब इससे आपको रेवेन्यू कैसे मिलेगा, कैसे आपका अर्निंग होगा? तो अर्निंग जो होगा दोस्तों, आपके पूरे चैनल का जो व्यूज आएगा शॉर्ट्स से, तो वो पूरे मंथ का आपका काउंटिंग किया जाएगा, और काउंटिंग करने के बाद दोस्तों वहां पर 55% YouTube रखेगा खुद, बाकी 45% आपको देगा, और वहां पर दो वीडियो के बीच में जो एड देखने को मिलेगा तो उसके हिसाब से मतलब एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि दोनों क्रिएटर को वहां पर दिया जाएगा। और जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, अगर उसके वीडियोस पर अगर बीच में अगर एड आता है तो वो पैसा YouTube पूरा रखेगा। तो इस प्रकार से कुछ वहां पर काउंटिंग होगा, कहने का मतलब है दो वीडियो के बीच में एड देखने को मिलेगा और उसका पैसा मतलब दोनों को शेयर होगा, बाकी YouTube पहले 55% रख लेगा उसके बाद। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा अपडेट, वो है पता है YouTube Shorts पर भी अब आपको सुपर थैंक्स देखने को मिलेगा। सुपर थैंक्स दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि लॉन्ग वीडियो पर आपको सुपर थैंक्स देखने को मिलता है, जो कि किसी भी क्रिएटर को आप सुपर थैंक्स दे सकते हो, कुछ पैसे उसको दे सकते हो। ठीक है, वहां पर जैसे कि सुपर चैट होता है उस प्रकार से सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन अब आपको शॉर्ट्स वीडियोस पर भी YouTube सुपर थैंक्स देखने को मिल जाएगा। किसी भी क्रिएटर को उसके शॉर्ट्स वीडियोस पर भी आप सुपर थैंक्स उसको दे सकते हो। तो यही ऑप्शन कुछ आए हैं YouTube की तरफ से 3 न्यू अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।